हेलो दोस्तों शराधे इंस्टीट्यूट में आपका एक बार फिर से स्वागत है आज हम नाइन्थ क्लास के साइंस के दो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ आए हैं दैट इज़ मैथमेटिकल फॉर्मूलेशन ऑफ सेकंड लॉ ऑफ मोशन एंड सेकंड होगा आपका कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम तो आइए पहले पहले डेरिवेशन को प्रूव करते हैं दैट इज़ मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन ऑफ सेकंड लॉ ऑफ मोशन सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या होता है एफ इक्व टू एम ए जिसमें एफ क्या होती है फोर्स एम होती मास एंड ए दैट इज एक्सरेशन तो उसके पहले आपको ब्रीफ में आपको मैं आपको बता दूं मोमेंटम क्या होता है मोमेंटम होता है प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी किसी एक ऑब्जेक्ट की मास को अगर हम उसके वेलोसिटी से मल्टीप्लाई कर दें तो वो क्या हो जाएगा मोमेंटम मैंने एक ऑब्जेक्ट की एग्जाम्पल लिया जिसका मास एम है उसकी मैंने इनिशियल वेलोसिटी यू ले ली फाइनल वेलोसिटी वी ले ली तो जब हम इनिशियल मोमेंटम यूज़ करेंगे तो मास इंटू विलोसिटी लाइक मैंने यहाँ पे बताया मास इंटू विलोसिटी तो जब हम इनिशियल मोमेंटम की बात करेंगे तो इनिशियल वेलोसिटी यूज होगी दैट इज़ एम मल्टीप्लाई बाय यू जब फाइनल मोमेंटम की बात करेंगे तब हम फाइनल वेलोसिटी की बात करेंगे दैट इज एम मल्टीप्लाई बाय वी तो इनिशियल मोमेंटम हो गया एम यू फाइनल मोमेंटम हो गया एम अब हमने करना है चेंज इन मोमेंटम चेंज इन मोमेंटम क्या होता है इस पॉइंट पे हमारा मोमेंटम कितना उसमें से हमने माइनस करना इस पॉइंट पे हमारा मोमेंटम कितना तो दैट इज पी टू माइनस पी वन पी टू जैसे आपको देख रहा P2 है पी टू है? एम मल्टीप्लाई बाई बी P1 कितना m मल्टीप्लाई बाय यू इसमें से मैंने m कॉमन ले लिया एम वी माइनस एम यू में से m कॉमन ले लिया दैट इज m मल्टीप्लाई बाय वी माइनस यू ये हमारे डेरिवेशन में आ गया चेंज इन मोमेंटम जब हम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम करते होते हैं जब हमने पिछली एक्सरसाइज में आपको पता है पिछली हमने डेरिवेशन में किया था रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सप्रेशन उसमें हमने चेंज इन वेलोसिटी को टाइम टेकन से डिवाइड किया था तो जब भी रेट ऑफ चेंज ऑफ की बात आती है तो किसी भी चेंज को उसके टाइम टेकन से डिवाइड करना होता है तो चेंज ऑफ मोमेंटम मोमेंटम क्या होएगा? एम वी माइनस यू टाइम टेकन क्या होगा कि इस ऑब्जेक्ट को यहाँ से पहुँचने के लिए यहाँ तक पहुँचने में कितना वक्त लगा कितना टाइम लगा तो उसके हमने टाइम टेकन टी ले लिया तो लाइक like आपको देख रहे हैं ये प्रोपोर्शन का साइन है एफ फिज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू एम मल्टीप्लाई बाय वी माइनस यू बाई टी और इनटू एम क्या था चेंज इन मोमेंटम डिवाइड बाय टी क्या था चेंज इन टाइम टेकन एफ इज प्रपोर्शन टू एम वी माइनस यू अपॉन टी तो जब भी हम प्रपोर्शन का साइन हटाकर टू का साइन डालते हैं तो एक कॉन्स्टेंट ऑफ प्रपोर्शनैलिटी जरूर आता है तो इक्व टू का मैंने जब साइन डाला तो मैंने के को ले दिया कॉन्स्टेंट प्रपोर्शनैलिटी ठीक है जी तो हमने पिछली डेरिवेशन में कहा था चेंज ऑफ एक्सप्रेशन क्या होता है चेंज इन वेलोसिटी रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सप्रेशन क्या होता है चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम टेकन तो v माइनस यू बाई टी को हमने एक्सप्रेशन प्रूव करके मैंने यहाँ पे a लेट कर लिया v माइनस यू डिवाइड बाई टी को तो हमारे पास डेरिवेशन होगी f इक्व टू के मल्टीप्लाई बाई एम मल्टीप्लाई बाय ए जिसमें के क्या है कॉन्स्टेंट ऑफ ऑफेशनैलिटी एम क्या है मास ऑफ ऑब्जेक्ट ए क्या है एक्सप्रेशन चेंज इन एक्सप्रेशन तो लेट द वैल्यू ऑफ के चोजन टू बी वन तो हमने के की वैल्यू वन लेट की तो क्या आ गया एफ टू एम मल्टीप्लाई यही सेकंड लॉ होता है जब हम किसी ऑब्जेक्ट की फोर्स निकाल रहे होते हैं तो उसके मास को उसके एक्सोरे से मल्टीप्लाई कर दो तो ये हमारा मैथमेटिकल प्रूव है सेकेंड लॉ ऑफ मोशन का तो सेकेंड लॉ ऑफ मोशन हमें क्या बताता है इट गिव्स अप द मेथड टू मेजर द फोर्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट कि एक ऑब्जेक्ट की फोर्स कितनी लग रही है इसके एसआई यूनिट आपको बता दूं मैं मास के होते के जी एक्सोरेशन के होते हैं मीटर पर सेकंड स्केयर तो जब हम दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो फोर्स के यूनिट आ जाएंगे मास मल्टीप्लाई बाय बाई दैट इज के जी मीटर पर सेकंड स्केयर तो आइए अब हम सेकंड डेरिवेशन प्रूव करते हैं दैट इज कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इसमें मैंने दो ऑब्जेक्ट की एग्जाम्पल ली है लाइक ए ऑब्जेक्ट इसको मैंने इलेक्ट कर लिया बी ऑब्जेक्ट तो एम ए किस वेलोसिटी हमेशा यू होती है और फाइनल वी होती है तो ए ऑब्जेक्ट का मास मैंने कितना लिया एम ए और ये इनिशियल वेलोसिटी कितने से दौड़ रहा है यू ए से सिमिलरली एम बी यो भी ये था बिफोर कोलिजन यहाँ पे कोलिजन हुई जब आफ्टर कोलिजन ये चलने लगे तो एम ए किस आ, क्या वेलोसिटी इसने ले ली वी ए और एम बी ने वी बी ये आफ्टर कोलिजन वेलोसिटी है ये बिफोर कोलिजन वेलोसिटी है मास इनका कांस्टेंट रहेगा सेम रहेगा बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन जब कोलिजन होती है तो इधर को मैंने एफ ए भी लिखा हुआ एरो इधर को मैंने एफ बी बी ए लिखा हुआ तो हम जानते हैं इनका मतलब क्या है एम ए मैंने आपको बता दिया मास ऑफ ऑब्जेक्ट ए एम बी मैंने आपको बता दिया मास ऑफ ऑब्जेक्ट बी यू ए और यू बी क्या है बिफोर कोलिजन बिलोस इट इज क्योंकि यू होता है इनिशियल यू ए है ए ऑब्जेक्ट की बी यू बी है बी ऑब्जेक्ट की सिमिलरली वी एंड बी बी आफ्टर कोलिजन एफ ए बी क्या है फोर्स ऑफ ऑब्जेक्ट ए ऑन ऑब्जेक्ट बी ए आगे लिखा हुआ बी पीछे लिखा हुआ तो ए की फोर्स बी पे लग रही है लाइक like, ए अपनी जितनी फोर्स है बी पे लगा रहा है तो सिमिलरली जब कोलिजन होगी तो बी भी अपनी फोर्स ए पे लगाएगा दैट विल बी कॉल्ड एफ बी ए तो एफ बी ए क्या हो गया फोर्स ऑफ ऑब्जेक्ट बी ऑन ऑब्जेक्ट ए अब हम इसकी डेरिवेशन देखते हैं डेरिवेशन कैसे प्रूव होगी मोमेंटम ऑफ बॉल है मोमेंटम का हमने अभी पीछे फॉर्मूला देखा क्या था मोमेंटम होता मास मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी तो बॉल ए का मोमेंटम बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन दे लिया बिफोर कोलिजन इनिशियल वेलोसिटी यूज होगी आफ्टर कोलिजन फाइनल वेलोसिटी यूज़ होगी एम मल्टीप्लाई बाय यू ए एंड एम मल्टीप्लाई बाय वी ए रिस्पेक्टिवली रिस्पेक्टिवली क्या है ये बिफोर कोलिजन है ये आफ्टर कोलिजन है अब सिमिलरली मोमेंटम ऑफ बॉल बी बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन एम यू बी और एम VB, ये लिखा है यू बी तो एफ ए बी क्या था फोर्स ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन बी ड्यूरिंग कोलिजन एफ ए बी कितना आया एम ए वी ए मल्टीप्लाई बाई एम ए यू ए बाई टी ये चेंज इन मोमेंटम डिवाइड बाई टाइम टेकर हमने पिछली बार अभी फोर्स में किया था चेंज इन मोमेंटम डिवाइड बाय टाइम टेकर तो चेंज इन मोमेंटम क्या आया फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम ये सिर्फ और सिर्फ ए बी की बात हो रही है लाइक ए बॉल की बात हो रही जो ने लगाई है बी पे तो सिमिलरली यहाँ पे बी ने फोर्स लगाई ए फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल तो हमने थर्ड लॉ जैसे पढ़ा हुआ है बुक में पढ़ा हुआ आपके आपने भी पढ़ा होगा एफ ए बी और एफ बी एक्वल एंड ऑपोजिट टू इच अदर जो दो फोर्स लगती है इक्वल एंड ऑपोजिट एक्शन और रिएक्शन होता है तो लेकिन इनकी डायरेक्शन ऑपोजिट होती है तो मैंने एक जगह माइनस ले लिया एफ ए बी जब एफ बी ए पर फोर्स लगा रहा है तो रिटर्न में सेम अमाउंट ऑफ फोर्स बी ए पर लगा रहा है लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन होने की वजह से मैंने यहाँ पे माइनस ले लिया तो एफ ए बी की वैल्यू मैंने यहाँ से उठा के यहाँ पे पुट कर दी यहाँ पे मैंने एम ए कॉमन लिया हुआ है एफ बी ए की वैल्यू यहाँ से लेके कर यहाँ पुट कर दी ये माइनस का साइन यहाँ आ गया टी से टी कैंसिल आउट हो जाएगा जब हम यहाँ पे ब्रैकेट खोल लेंगे तो मैंने ए इनिशियल वेलोसिटी इनिशियल मोमेंटम एक टू के एक तरफ ले लिया और फाइनल मोमेंटम एक टू के एक तरफ ले लिया तो ये हमें बताता है कि ये हमारा बिफोर कोलियर मोमेंटम था जो किसके इक्वल आ रहा है आफ्टर कोलिजन मोमेंटम के तो ये हमारा कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम आया है इसका मतलब है कि मोमेंटम विल बी कंजर्वड कि टोटल मोमेंटम ऑफ बॉस बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन इक्वल होगा एम ए यूए प्लस एम बी यू बी इक्व टू एम ए वी ए प्लस एम बी वी बी तो ये डेरीवेशन आपको नोमेरिकल्स में बहुत हेल्पफुल होने वाली है थैंक यू सो मच मेरी वीडियो देखने के लिए अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें थैंक यू सो मच